Hello dear students, welcome to English class. So we have completed the reading of the story Mittu and the Yellow Mango. I hope that you all understood and you all enjoyed the story. Now today we are going to do the question answers and the exercise part of the story. Okay, so for that you have to open your book, open book page number 47. Okay, and also open your notebook. सो इन नोटबुक वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स और जो बाकी का जो एक्सरसाइज पार्ट है वो हम बुक में ही सॉल्व करने वाले हैं. क्लियर? ओके, सो ओपन योर नोटबुक. इन द नोटबुक फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द हेडिंग. सबसे पहले नोटबुक में ऊपर आपको हेडिंग देनी है, मिटू एंड द येलो मैंगो. ओके, तो कभी भी आप जब भी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हैं या किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको पहले उनका चैप्टर का नाम लिखना है. ओके, उसके बाद आप नीचे लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, आंसर ए एन एस डब्ल्यू ई आर, आंसर टी एच ई द एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी फॉलोइंग क्यू यू ई एस टी आई ओ एन एस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, सो ये लिखने के बाद उसके बाद आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर वन. सो लुक इन योर बुक, व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन. So the first question, that is what did Mittu see on the tree? Mittu ne ped par kya dekha? Kya aap logo ko yaad hai usne kya dekha? Yes, so answer is Mittu saw a big yellow mango on the tree. So Mittu, pehla question kya hai, what did Mittu see on the tree? Mittu ne ped par kya dekha? Mittu saw. अगर क्वेश्चन में डिड है और सी है फर्स्ट फॉर्म, तो जब हम आंसर लिखते हैं तो सी का सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाता है, सॉ. सो मिटू सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन द ट्री. मिटू ने पेड़ पर एक बड़ा सा मैंगो देखा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आपको इसमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर इसका आंसर लिखना है, फिर सेकेंड क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है, फिर थर्ड क्वेश्चन लिखना है और फिर उसका आंसर लिखना है. ओके, सो इस तरह से आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से. जो बड़ा सा क्रो था उसने क्या कहा. द बिग ब्लैक क्रो सेड कॉ कॉ गो अवे दिस इज माई ट्री. द बिग ब्लैक क्रो सेड, वो जो बड़ा सा क्रो था उसने कहा कॉ कॉ गो अवे कि यहाँ से चले जाओ. This is my tree. ये मेरा पेड़ है. Clear? समझ आ गया? Next question. तो आपको इसमें भी पहले question लिखना है फिर answer. Next, third one. What did Mittu see under the tree? Mittu ने पेड़ के नीचे क्या देखा. Mittu saw a red balloon under the tree. Mittu ने पेड़ के नीचे एक red balloon देखा. Okay? Clear? Under का मतलब होता है नीचे. समझ आ गया? फिर से रिपीट करो. What did Mittu see on the tree? Mittu saw a big yellow mango on the tree. What did the big black crow say? The big black crow said, caw, caw, go away. This is my tree. Next, what did Mittu see under the tree? Mittu saw red balloon under the tree. So only three question answers. ये three question answers आपको लिखने हैं और learn करने हैं. Okay? Now the next page. On the next page, I gave you homework. मैंने आपको homework दिया था जिसमें आपको parrot को green color करना था, है ना. I hope that you all have done that. Now next page, page number 49. Page number 49 पे हम यहाँ पर match the following दिया गया है. Okay, so match the following. अब इसमें क्या करना है आपको, match the fruit and vegetables to the trees they grew on. मीन्स आपको वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उन ट्रीज से मैच करना है जिस पे वो लगते हैं. ओके, सो मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू द ट्रीज दे ग्रो ऑन. सो कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ, बनाना, कोकोनट, एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो. एंड ट्रीज कौन से हैं, कोकोनट ट्री, एप्पल ट्री, बनाना ट्री, मैंगो ट्री एंड ग्रेप वाइन. सो द डिफरेंट फ्रूट्स एंड द ट्रीज आर गिवन. नाउ वी हैव टू मैच दैम एंड इट्स वेरी सिंपल. ओके, सो बनाना, बनाना को आप मैच करेंगे बनाना ट्री से. ओके, एंड स्टूडेंट्स ट्राई टू यूज स्केल, क्योंकि कई बार आप जो लाइंस होती हैं वो आप स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ कर देते हो, कई बार आप टेढ़ी लाइंस ड्रॉ कर देते हो.
सो ट्राई टू यूज स्केल. अब आपको स्केल यूज़ करना चाहिए, स्केल रख कर फिर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है. ओके, नेक्स्ट इज कोकोनट. कोकोनट यू विल मैच विद कोकोनट ट्री. ओके, नेक्स्ट इज एप्पल. एप्पल यू आर गोइंग टू मैच टू एप्पल ट्री. नेक्स्ट इज ग्रेप्स. ग्रेप्स कहाँ पर लगते हैं? ग्रेप वाइन पर. सो ग्रेप्स, ग्रेप वाइन एंड मैंगो ऑन द मैंगो ट्री. सो दीज आर द डिफरेंट फ्रूट्स. ओके, एंड देयर डिफरेंट ट्रीज. आई होप दैट यू ऑल लाइक ऑल द फ्रूट्स. फ्रूट्स तो हम सबको ही पसंद आते हैं, और यहाँ जो जो फ्रूट्स मेंशन है आई होप सबके फेवरेट होंगे, है ना स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इफ़ यू टर्न टू नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज़ तबला. सो आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें लाइंस को ज्वाइन करना है, उसे ट्रेस कर डॉट्स को ज्वाइन करना है, और वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, और फिर उसमें डिफरेंट कलर्स करने हैं. ओके, एंड कलर द तबला वेरी नाइसली. सो मतलब बहुत क्लीन कलर करना आपको. ओके, कई बार आप कलरिंग करते हो तो लाइन से बाहर आ जाता है, तो ट्राई टू लर्न हाउ टू कलर देम नीटली. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द लेटर फ्रॉम द बॉक्स एंड कम्प्लीट द वर्ड्स बिलो. सो ये क्वेश्चन है पेज नंबर 50 पर. आपको क्या करना है, ऊपर जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हैं वो कौन से वर्ड्स हैं, ए ई आई ओ यू. सो हैव यू हर्ड अबाउट दीज लेटर्स? यस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. ए ई आई ओ यू ये क्या है? ये वॉवल्स हैं, वॉवल साउंड्स हैं. ओके, सो ए ई आई ओ यू ये वॉवल साउंड वर्ड्स होते हैं. इन्हीं को यूज़ करके हमें नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें फिल करना है. ओके, सो लेट्स डू इट. सो एस ए टी सेट. ओके, आप इसमें आई भी यूज़ कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, सिट. एस आई टी सिट और एस ए टी सेट. नेक्स्ट पी डैश जी, पी आई जी पिग. नेक्स्ट बी आई जी बिग, बिग मीन्स बड़ा. ओके, नेक्स्ट इज डी डैश टी, डी ओ टी डॉट. ओके, नेक्स्ट इज एस डैश एन, एस ओ एन सन. ओके, सो सन आर टू टाइप स्टूडेंट्स. एक तो होता है एस यू एन सन, और एक है एस ओ एन सन. एस यू एन सन का मतलब होता है सूरज, और यहाँ एस ओ एन सन है इसका मतलब होता है बेटा. ओके, बेटी को हम डॉटर बोलते हैं, और जब बेटा होता है तो हम बेटे को क्या बोलते हैं, सन. ओके, सो यहाँ पर बेटे वाला सन है. नेक्स्ट एफ डैश एन, एफ ए एन फैन. नेक्स्ट एल डैश जी, एल ई जी लेग. नेक्स्ट एस डैश टी, एस आई टी सिट. सिट मीन्स बैठना. नेक्स्ट एल डैश टी, एल ओ टी लॉट. लॉट मतलब बहुत सारा. ओके, नेक्स्ट इज बी डैश एन, दैट इज बी यू, बी डैश एन, बी यू एन वन. क्लियर? सो ऑल दीज आर द आंसर्स. ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको नोटबुक में करने हैं. क्लियर? देर आर थ्री क्वेश्चन आंसर दैट वी हैव डिस्कस, वो आपको नोटबुक में करने हैं, और बाकी आपको पैरेट में कलर करना है. यू हैव टू कलर द तबला, एंड जो भी मैच द फॉलोइंग है वो आपको बुक में ही मैच करना है, और इसमें जो फिलअप्स हैं जो अभी हमने करे हैं उन्हें भी बुक में ही सॉल्व करना है. क्लियर? सो कम्प्लीट दीज एक्सरसाइजेज, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, और यू कैन कॉल मी. ओके, अगर आपके कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही कि मैम ये कैसे करना है या इसका मतलब क्या है, सो यू कैन कॉल मी एनी टाइम. क्लियर? ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.